बैसवाल वर्सेस पाई। तो ये सम्मान और प्रतिष्ठा का मैच शुरू हो चुका है और पहली रेड भाई जतिन इस समय पहली रेड पर बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। जतिन इस समय पहली रेड करता हुआ एक उभरता हुआ युवा खिलाड़ी पाई के और अब रेड पर तीन नंबर जर्सी का खिलाड़ी रोहित राघव गांव पाटोदा जिला झज्जर पाई कैथा में खिलाड़ी अभ्यास करता है। प्रो कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखाई है इस खिलाड़ी ने। बहुत बढ़िया भाई देखो रनिंग की लगा दी इन्होंने और बहुत ही शानदार अंक अंकित किया। भाई ग्राउंड नंबर एट पर जो अगला मैच होगा बाबा प्रेमदास अकेडमी रीढ़ाना वर्सेस अमित हुड्डा अकेडमी दोनों टीमें तैयार हो जाए बड़ा अच्छा मैच होगा। ग्राउंड नंबर दो पर जो मैच चल रहा है उसमें शायद मैच टाई हो चुका है इस वजह से शायद गोल्डन गेट के हिसाब से मैच होगा। उससे अगला मैच दीपक दुधवा और मांदर ये ग्राउंड नंबर दो का मैच है। उस मैच में जो जीतेगा वो एनके अकेडमी के साथ अगले राउंड का मैच खेलेगा। बहुत बढ़िया तो भाई कोर्ट नंबर दो पर जो मैच है वो उसका फैसला हाई कोर्ट में नहीं आया बात डिसाइडेड रेट है। कोर्ट नंबर दो का मैच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है हाई कोर्ट में उसका फैसला नहीं निकला। ऐसा ही वहां हो गया था पहाड़ों में उत्तराखंड में पिछली बार और हरियाणा की टीम उसमें भी यही रही थी ये मंगेतर वाली ये जो पांच पांच रेड दी गई उनमें भी स्कोर बराबर रहा। उसके बाद फिर गोल्डन रेड दी गई तो वहां से फिर गोल्डन रेड में हरियाणा की टीम ने बाजी मार ली और नंबर ही गई। बहुत बढ़िया ये देखो सही जगह पर सही अपॉर्चुनिटी कैच की और दो पॉइंट मिले एक एक पॉइंट की कीमत है इस मैच में। ये क्या ये सेकंड राउंड का मैच है जो कोर्ट नंबर एक पे जारी है दिस इज सेकंड राउंड मैच डेक इन प्रोग्रेस ऑन कोर्ट नंबर वन। फोर एंड थ्री एडवांटेज इन अकाउंट ऑफ पाई। सक्सेसफुली टेकन दिस पॉइंट एंड स्कोर इज सेम स्कोर 11 इन दिस करंट सिचुएशन 4-4 ईच दोनों का स्कोर 4-4 बराबर है। वेरी गुड और फिर यहां पर पाई की टीम ने एक और पॉइंट पा लिया है और उसी के साथ स्कोर बढ़कर एक पॉइंट के लीड के साथ 5 पाई। इसके साथ यहां पर एक पॉइंट और मिला और लीड बढ़कर 2 हो गई पाई की। जिस तरह 4-4 बराबर किए थे सामने वाली टीम ने उसी तरह से अब 6-6 बराबर करने पड़ेंगे। गलती से बचने की जरूरत है गलतियों से। बहुत बढ़िया इधर के कॉर्नर ने तो शुरुआत कर दी थी जब उसकी कॉल आई तो उसने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। बहुत बढ़िया तो ये स्लिप हो गए थे पैरिया बाकलाइन के पास मारता है।
यहाँ पर फिर तीन नंबर जर्सी में दीपक दुधुआ और नांदल दोनों टीमें पहुंचे भाई, दीपक दुधुआ और नांदल। हाँ, ग्राउंड नंबर दो पर पहुंचे, क्या मसला है भाई? कौन सा उनसे मेरा निवेदन, इस मैच का क्या चल रहा है? ये निशान नहीं दे रहे क्या? पांच का डिफेंस है, बोनस के चक्कर में तो रन रहना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बोनस तो मिलेगा नहीं। बहुत नजदीक, ये देखो भाई, हाथ से हाथ मिलाकर चले गए। दो एंड आई भी इधर से भी डिसाइडेड और भाई जतिन इस समय रेड पर, इस समय रेड करता हुआ जतिन, और सामने एक मजबूत डिफेंस की टीम पाई जिला कैथल। सबके सब खिलाड़ी बड़े बेहतरीन हैं, और चार नंबर जर्सी का जो खिलाड़ी कॉर्नर है किशन ढूल, बड़ा बेहतरीन कॉर्नर। और इस मैच की समाप्ति के बाद हमारी खेल कमेटी की तरफ से किशन ढूल को भी सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पूरे 50% की बढ़त है, 50% का मार्जिन बना रखा है पाई की टीम ने। सुपर टैकल ऑन उमेश इस समय रेड पर, पकड़े जाते हैं लोग। दो पॉइंट बहुत ही कीमती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और ये मौका गवा दिया। दीपक दुधुआ और नांदल का मैच है ग्राउंड नंबर दो पर। ग्राउंड नंबर एक पर जो मैच होगा, बाबा प्रेमदास अकेडमी रिढ़ाना और अमित हुड्डा अकेडमी रोहतक, दोनों टीमें तैयार हो जाए। बाबा प्रेमदास अकेडमी रिढ़ाना और अमित हुड्डा अकेडमी रोहतक, बहुत बढ़िया। पूरे सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए आगे, पूरे चक्रवियों को चकमा देकर अपने कोर्ट में चलेंगे। और बार बूथ के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, पहले ही तो उन्होंने अपनी पकड़ बनाकर साबित कर दिया। देखो उसका एक और एग्जाम्पल, उसका एक और उदाहरण देकर इन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। डबल डिजिट में एंट्री हो गई, दोहरे अंकों में पहुंच गए और 10 पॉइंट बना लिए इन्होंने। तेरा चार हो गए, बहुत बेहतरीन, निकलने नहीं दिया। गर्दन के पास से इतना जबरदस्त शिकंजा था कि हर संभव प्रयास करने के बाद रेडर को रिकवरी करने का मौका नहीं मिला। और पहले हाफ में जो पकड़ बना ली पाई की टीम ने, इस बार तो कम से कम दिल्ली 1.5 फीट दूर थी। अभी समय देखो, इन्होंने जो समय बताया है वो रिस्क ना लेने के लिए बनाया है कि बाद में फिर। ग्राउंड नंबर दो की दोनों टीमें जल्दी पहुंचे। नांदल टीम आ चुकी है, दीपक दुधुआ, दीपक दुधुआ की टीम जल्दी ग्राउंड पर आ जाए और कौन सी टीम जीती ये जरूर बता दी जाए। दीपक दुधुआ और नांदल का मैच कराए और कोई भी साथी जो ग्राउंड में एक ऑफ हो जाएगा ऑफिशियल है वो ध्यान दे, एक बार बता के जाएंगे कौन सी टीम उस मैच में विनर रही।
बहुत अच्छा मैच लगा हुआ भाई साथियों। पैसवाल की टीम जो गांव आदमपुर की साइड है और गांव मदोला की साइड पाई कैथल की टीम है, बड़ी दोनों अच्छी टीमें हैं। इस समय दो नंबर जर्सी का खिलाड़ी सागर इस समय भैसवाल की तरफ से रेड पर, सामने पांच खिलाड़ियों का मजबूत डिफेंस, एक अच्छी डिफेंस की टीम मानी जाती है पाई कैथल। भाई रमेश बागड़ा जी हमारे बीच में है, रमेश बागड़ा जी से निवेदन है कि एक बार स्टेज पर आए, रमेश बागड़ा जी एक बार स्टेज पर आ जाए। और मैं आपको बच्चों की सिचुएशन बता दे, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी रेड लगाई है उमेश ने, अभी सुपर रेड 3 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। ग्राउंड नंबर 2 पर जो मैच होगा वो पहल वर्सी 14-8, जो एक मैच एक्स्ट्रा है पहल वर्सी 14-8। और ग्राउंड नंबर उस 2 पर जो उससे अगला जो मैच होगा एम के अकेडमी और इस मैच की विनर, ग्राउंड नंबर 1 पर जो अगला मैच है वो बाबा प्रेमदास रिढ़ाना और अमित हुड्डा अकेडमी। बहुत ही शानदार मैच और बिल्कुल शानदार टैकल लगा दिया साथियों। भैसवाल की टीम भी अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है। डिसाइड रेड डू और डाई रेड और जतिन इस समय रेड करता हुआ बिल्कुल जूनियर स्तरीय बड़ा बेहतरीन रेडर है। आपके अपने जिला ढाई फॉरवर्ड का और पॉइंट लेने में बिल्कुल कामयाब रहा। अभी तो पाई की टीम ने पकड़ बना रखी है, ये पॉइंट जरूर पाई के हाथों से चला गया लेकिन, और ये भी चला गया पाई के हाथों से, इन्होंने टैकल पॉइंट भी दे दिया और रेड पॉइंट भी दे दिया विपक्षी टीम को। और जब जाकर के डबल एट में पहुंची है टीम भैसवाल की और इनके हैं पहले ही 18, तो 18 और 10 में 8 का अंतर है अभी, लेकिन सुपर टैकल ऑन भी है सामने। पाई की टीम अगर ऑल आउट हो जाती है तो 5 पॉइंट ही जल्दी जल्दी मिल जाएंगे फिर भैसवाल। ये आंकड़ा है, अनुमान है, पता नहीं ऐसा करने देंगे या नहीं करने देंगे। 8 पॉइंटों की लीड पाई के पक्ष में है और पाई की तरफ से इस समय कृष्ण ढुल एक बेहतरीन डिफेंडर प्रो कबड्डी का हरियाणा प्रदेश का इस समय रेड पर, और रेड की मात्र औपचारिकता करेगा खिलाड़ी क्योंकि
और हाफ टाइम 18 टीम ने कोच चेंज कर दिया, तो टीम वापस तो बाहर आ गई है। पाई का खेल की टीम है, पाई के फेवर, और जो टीम मंगल भाई दूसरे हाफ की शुरुआत, दूसरे हाफ का आगाज होता हुआ कोच नंबर जर्सी में कृष्ण ढुल। स्कोर 10-18 है, 8 का अंतर है बीच में, और सही है पाई की टीम 8 पॉइंटों से आगे है। अगले मैच की दोनों टीमों का अनाउंस हो चुका है, दोनों टीम तैयार हैं। ब्लू एंड आई डिसाइडेड रेड वंस अगेन। भाई रेफरी का फैसला जो है वो अंतिम है, आखिरी है भाई। अगला जो मैच है ग्राउंड नंबर 2 पर, वो बहल वर्सेस 14 जाट, बहल वर्सेस 14 जाट, दोनों टीमें तैयार हो जाए। उससे अगला जो मैच होगा एनके एकेडमी, और इस मैच में जो विनर टीम रहेगी वो खेलेगी। भाई सज्जन कौर साहब आप स्टेज पे आ जाएं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। सज्जन कौर साहब से निवेदन है कि आप एक बार स्टेज पर आए सर, बहुत ही अच्छे कोच आदरणीय सज्जन कौर साहब स्टेज पर आ जाए। अगले मैच के लिए अमित हुड्डा अकेडमी और बाबा प्रेमदास रिढ़ाना, दोनों टीमें तैयार हो जाए ग्राउंड नंबर 1 पर। ग्राउंड नंबर 2 की बात करें, बहल वर्षी 14 जाट। बहुत बढ़िया, बहुत ही सोची समझी रणनीति से थाई होल्ड की, और उसके बाद पूरी तरह से अपना शिकंजा मजबूत कर लिया। स्कोर की बात करें 19-16 का स्कोर, अब नजदीक आ गई भाई सामने वाली टीम, मात्र 3 पॉइंट की लीड पाई की बची है। बिल्कुल बैसवाल की टीम ने भी वापसी के संकेत दे दिए हैं, और ये लीजिए साथियों फिर एक कैच लगा दी है, 17-19 का स्कोर। Yes. 17-19, 16 से बढ़कर 17, ऐसे पॉइंट आते रहे तो फिर कुछ नहीं खतरा। और अब फिर एक बार जतिन, बहुत बढ़िया भाई, ये बीच में कह रहे हैं कि मनोरंजन भी होता रहना चाहिए, तो मैं तो इन्हें मशवरा दूंगा कि मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा, और जब पढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर भी अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। सज्जन कौल साहब से निवेदन है सर, अब ठीक है, सज्जन कौल साहब बिल्कुल नजदीक से मैच देख रहे हैं, और सज्जन कौल साहब के लिए वही खेल कमेटी ने काफी बार कहा है कि वे रिक्वेस्ट है कौल साहब से कि वो स्टेज पर आकर मैच देखें। बहुत बढ़िया, तो भाई सज्जन कौल साहब के लिए मैं भी कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में ये जाने गजल बैठा है, ऐसा लगता है कि एक हसीन कमल बैठा है, अब हमें आगरा जाने की जरूरत क्या है जब हमारे बीच में खुद ताजमहल बैठा है।
बैसवाल टीम को रिप्रेजेंट करते हुए दोनों बड़े अच्छे मैडम बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम दिया है। 18-20 This is decided day. 19-20 बहुत बेहतरीन हम तो बिल्कुल करीबी मामला है। एक पॉइंट चाहिए बराबर करने के लिए बैसवाल को। 19-20 का ब्रैकेट। जब माँ बेटे के लिए लड़की देखने जाती है ना और हल्की सी आधा इंच छोटी होती है तो कहती है घर आके कि भाई 19-20 का ब्रैकेट चल जाएगी। लेकिन अब फर्क पड़ गया है थोड़ा सा। 21-19 हुआ स्कोर। अगर ये पॉइंट बैसवाल के पक्ष में चले जाता तो 20-20 बात हो जाता। लेकिन अब 21-19 भाई की टीम का तो जवाब ही नहीं है। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए। राजा हूं मैं उसका वो हीर है मेरी जो दिल में छुपा रखी है तस्वीर है मेरी। दोनों ही एक दूसरे के भिन्न रहेंगे। मैं इंडिया हूं उसका वो कश्मीर है मेरी। ये देखो भाई का कमाल है। भाई का नाम वैसे पानी रख गया है। ये पानी पाने में चार गाड़ी थे